नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां पर हम लेकर आते हैं देश और दुनिया की ताजा और काम की खबरें। तो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर, महंगाई की मार, फिर बढ़े एलपीजी सिलेंडर के दाम, जानिए अब कितना देना होगा पैसा। आपको बता दें कि रसोई में खाना बनाना एक बार फिर से महंगा हो गया है। जी हां, एक बार फिर से एलपीजी सिलेंडर के उपभोक्ताओं को जोर का झटका लगा है। घरेलू सिलेंडर के दाम में एक बार फिर से इजाफा कर दिया गया है। यही नहीं, घरेलू गैस के साथ साथ कमर्शियल गैस के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। 19 मई को घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम ₹3.50 बढ़ा दिए गए, साथ ही कमर्शियल गैस सिलेंडर में ₹8 का इजाफा किया गया है। और आपको बता दें कि इस बढ़ोतरी के साथ अब पूरे देश में घरेलू गैस के दाम ₹1,000 के पार हो गए हैं। देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो घरेलू गैस सिलेंडर के दाम करीबन ₹800 से अब ₹1,003 पर पहुंच गया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि खाने का तेल होगा सस्ता, इंडोनेशिया ने पाम ऑयल के निर्यात से बैन हटाने का लिया फैसला। आपको बता दें कि देश में पाम ऑयल सहित अन्य खाद्य तेलों की कीमतों में कमी हो सकती है। ऐसा होगा इंडोनेशिया द्वारा पाम ऑयल के निर्यात पर बैन हटाने से। इंडोनेशिया ने 23 मई से पाम ऑयल निर्यात बैन समाप्त करने का फैसला लिया है। ये फैसला इंडोनेशियाई सांसदों द्वारा निर्यात बैन पर सरकार से समीक्षा करने की अपील के बाद किया गया है। आपको बता दें कि इंडोनेशिया में पाम इंडस्ट्री का कहना है कि अगर जल्द ही बैन नहीं हटाया गया तो देश का पाम ऑयल उत्पादन ठप हो सकता है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि श्रमिकों को बिना कुछ किए हर महीने मिलेंगे ₹3,000, इस सरकारी योजना का है बहुत फायदा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनमें से ही एक है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना। ये योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए उनके बुढ़ापे का सहारा हो सकती है, क्योंकि इसमें 60 साल की उम्र के बाद उन्हें हर महीने ₹3,000 की पेंशन दी जाती है। आपको बता दें कि लाभार्थी की प्रवेश आयु के आधार पर मासिक अंशदान तय होता है, जो ₹55 से लेकर ₹200 तक होता है। योजना के तहत लाभार्थी द्वारा मासिक तौर पर जितना अंशदान दिया जाता है, उतना ही केंद्र सरकार द्वारा भी योगदान दिया जाता है। आपको बता दें कि कौन से लोग इसका लाभ ले सकते हैं। इस योजना का लाभ उन्हें ही मिलेगा जो भारतीय नागरिक हो, साथ ही उनकी उम्र 18 से लेकर 40 साल के बीच में होनी चाहिए। आपको बता दें कि जो भी इसका लाभ लेना चाहते हैं, वो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले होने चाहिए। उनकी मासिक आय ₹15,000 से कम होनी चाहिए। अब जब लाभार्थी की उम्र 60 साल हो जाती है तो न्यूनतम ₹3,000 की सुनिश्चित मासिक पेंशन मिलती है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि भारतीय रेलवे ने कर्मचारियों को दिया है बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ता 14% बढ़ाया, 10 महीने का एरियर भी मिलेगा। यहाँ पर आपको बता दें कि भारतीय रेलवे ने अपने कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। रेलवे ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी कि डीए में 14% की बढ़ोतरी कर दी है। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ 10 महीने का एरियर भी देने का अब फैसला किया है। रेलवे कर्मचारियों के लिए बिना होली दिवाली ही त्योहार का मौसम आ गया है। आपको बता दें कि जिन भी रेल कर्मचारियों को अभी 6वें वेतन आयोग के तहत सैलरी दी जा रही है, उनका महंगाई भत्ता 14% बढ़ाया जा रहा है। जल्द ही कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का अब पैसा मिलने लगेगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि केजरीवाल सरकार को हाई कोर्ट से बड़ा झटका, घर घर राशन वितरण योजना को किया गया रद्द। आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी यानी कि आप सरकार की घर घर राशन योजना पर रोक लगा दी है। इससे पहले इस योजना को लेकर केंद्र और आम आदमी पार्टी में तकरार देखने को मिली थी। आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने राशन वितरण के लिए दिल्ली सरकार की योजना को रद्द कर दिया है। दिल्ली सरकार राशन डीलर संघ द्वारा योजना का विरोध करने वाली याचिका पर अदालत ने ये फैसला सुनाया है। यहाँ पर आपको बता दें कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन संघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने कहा कि घर घर चीजें पहुँचाने के लिए दिल्ली सरकार कोई और योजना लाने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन वो केंद्र सरकार की तरफ से उपलब्ध कराए गए अनाज का इस्तेमाल घर घर पहुँचाने की योजना के लिए नहीं कर सकती है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि बिहार के सोनू की मदद के लिए आ गया है अभिनेता सोनू सूद, इस स्कूल में की शिक्षा और हॉस्टल की व्यवस्था। आपको बता दें कि बिहार के नालंदा के रहने वाले सोनू की मदद के लिए अब बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सोनू सूद आगे आ गए हैं। आपको बता दें कि उन्होंने सोनू का एडमिशन आइडियल इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल बिहटा में करवा दिया है, जो पटना से कुछ ही दूरी पर स्थित है। अभिनेता सोनू सूद ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके लिखा है, सोनू ने सोनू की सुन ली भाई, स्कूल का बस्ता बांधी है, आपकी पूरी शिक्षा और हॉस्टल की व्यवस्था हो गई है। इसके साथ सोनू सूद ने स्कूल के नाम का जिक्र भी किया है। सोनू अब पटना के बिहटा स्थित आइडियल इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में पढ़ाई करेगा। इस स्कूल में हॉस्टल की व्यवस्था भी है, जहां सोनू आराम से रहकर पढ़ाई कर सकेगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि फीचर फोन से बिना इंटरनेट आप भी कर सकते हैं यूपीआई पेमेंट, ये है इसका तरीका। आपको बता दें कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बिना इंटरनेट कनेक्शन फीचर फोन के जरिए यूपीआई पेमेंट करने के लिए यूपीआई 123 पे डेवलप किया है। भारतीय
रिजर्व बैंक ने इस साल की शुरुआत में इसे लॉन्च किया था। 1, 2, 3 पे फीचर फोन यूजर्स को 4 तरीकों से लेन देन का विकल्प मुहैया कराता है। आप IVR के जरिए, ऐप के जरिए, साउंड बेस्ट और मिस्ड कॉल के जरिए भी पेमेंट कर सकते हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर शिवलिंग बताए जा रहे पत्थर और फुवारे पर मस्जिद कमेटी ने दिया गोलमोल जवाब। यहां पर आपको बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के बाद रिपोर्ट गुरुवार को वाराणसी कोर्ट को सौंप दी गई है। 3 दिन तक सर्वे के बाद कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह की तरफ से रिपोर्ट सौंपी गई है। अहम बातें आपको बता दें कि अजय कुमार मिश्रा की तरफ से विशाल सिंह की रिपोर्ट में भी मस्जिद परिसर में हिंदू आस्था से जुड़े हुए कई निशान मिलने की बात कही गई है। रिपोर्ट में शिवलिंग बताए जा रहे पत्थर को लेकर भी डिटेल में जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि विशाल सिंह की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि एक शिवलिंग जैसा पत्थर दिखाई दिया है जिसके ऊपर से कटा हुआ डिजाइन का एक अलग से सफेद पत्थर है। उसके बीच में आधे इंच का छेद भी है जिसमें सीख डालने पर 63 सेंटीमीटर की गहरा पाया गया है। इसे वादी पक्ष ने शिवलिंग बताया, प्रतिवादी पक्ष ने इसे फव्वारा कहा है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि कथित फव्वारे में पाइप जाने की कोई जगह नहीं मिली है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट से झटका, 34 साल पुराने मामले में 1 साल कैद की सजा। आपको बता दें कि रोड रेज मामले में सुप्रीम कोर्ट से नवजोत सिंह सिद्धू को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पुराना आदेश बदलकर उन्हें 1 साल कैद की सजा सुना दी है। ये मामला साल 1988 का है जिसमें पिटाई के बाद एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी। पहले सिद्धू को 1,000 रुपए जुर्माने की सजा मिली थी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि दिवालिया होने की राह पर पाकिस्तान, $1 की कीमत 200 रुपए तक पहुंची। आपको बता दें कि कंगाल पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पर आगे बढ़ रहा है। इमरान खान के बाद भले ही शहबाज शरीफ पाक के नए PM बन गए हों, लेकिन कंगाल पाकिस्तान के हाल खस्ता ही हैं। यहां डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपए की कीमत करीबन 200 हो गई है। माना तो ये जा रहा है कि गुरुवार को $1 के बदले 200 पाकिस्तानी रुपए देने होंगे। इसके साथ ही डॉलर की ब्लैक मार्केटिंग भी अब तेजी से और बढ़ रही है। इससे सरकार रोक पाने में नाकाम साबित हुई है। साथ ही आपको बता दें कि सरकार ने लग्जरी और गैर जरूरी आइटम्स के इम्पोर्ट पर सख्ती से बैन करने का ऐलान किया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि रूस यूक्रेन युद्ध बना वैश्विक खाद्य संकट का कारण, कई देशों पर अकाल का खतरा, UN ने दी है चेतावनी। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध से जल्द ही वैश्विक खाद्य संकट पैदा हो सकता है जो सालों तक बना रह सकता है। आपको बता दें कि खाद्य पदार्थों की बढ़ती हुई कीमतों के कारण आने वाले कुछ समय में देशों को दीर्घकालिक अकाल का सामना भी करना पड़ सकता है। यदि यूक्रेन के निर्यात को युद्ध से पहले ही बहाल नहीं किया गया तो वैश्विक खाद्य संकट पैदा हो सकता है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि रूस का दावा, मारियोपोल में 1,700 से अधिक यूक्रेनी लड़ाकों ने किया आत्मसमर्पण। यहां पर आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन युद्ध के 3 महीने होने वाले हैं। दोनों देशों के बीच युद्ध में भारी तबाही हुई है। इस बीच मास्को ने दावा किया है कि बीते 24 घंटे में 771 सहित 3 दिनों में 1,730 यूक्रेनी लड़ाकों ने मारियोपोल में आत्मसमर्पण किया है। रूस और यूक्रेन की इस लड़ाई का अंतिम परिणाम अभी भी सार्वजनिक रूप से अनसुलझा बना हुआ है। वहीं आपको बता दें कि रूसी रक्षा मंत्रालय का कहना है कि इस सप्ताह अब तक युद्धग्रस्त शहर मारियोपोल में स्टील फैक्ट्री में हजारों की संख्या में यूक्रेनी लड़ाकों ने आत्मसमर्पण किया है। रूसी सैनिकों ने 19 अप्रैल को संयंत्र पर धावा बोला था और इसके बाद बड़े क्षेत्रों को नष्ट कर दिया था। हालांकि रूसी सैनिकों की भारी संख्या के बावजूद यूक्रेन के सैनिक कई दिनों तक डटे रहे। बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।